हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर हम आधार कार्ड का प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ये आधार कार्ड है, तो इसको मैं एमएस वर्ड के अंदर परफेक्ट तरीके से प्रिंट करूंगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा किस तरीके से आप इजीली एमएस वर्ड के अंदर आधार कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला हर कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलता है स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। तो हमारे पास एमएस वर्ड 2019 का वर्जन है। आपके पास जो भी वर्जन है उसके अंदर आप इजीली आधार कार्ड का प्रिंट कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। इसके बाद मेरे पास ये आधार कार्ड है, इसको मैं एमएस वर्ड के अंदर परफेक्ट तरीके से प्रिंट करूँगा, एडजस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ से आधार कार्ड को कॉपी करूँगा और इसके बाद एमएस वर्ड को ओपन करूँगा और यहाँ से एमएस वर्ड के अंदर पेस्ट करूँगा। तो एमएस वर्ड के अंदर आधार कार्ड को पेस्ट करना है, ओपन करना है। तो यहाँ आप यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करके, यहाँ आपको पिक्चर्स एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से आधार कार्ड ओपन कर सकते हैं। तो आधार कार्ड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आधार कार्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पिक्चर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसको थोड़ा इस तरीके से ऊपर की तरफ एडजस्ट करना है और इसके बाद फिर से यहाँ पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज़ एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको शेप हाइट, इसका हाइट यहाँ पे आपको 5.41 सेंटीमीटर करना है, यहाँ आपको 5.4 सेंटीमीटर करना है, 5.4 सेंटीमीटर करना है। इसके बाद इंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड का साइज़ जो है वो आ चुका है, आधार कार्ड का परफेक्ट साइज़ यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पे आपको शो हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर या 5.41 सेंटीमीटर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हाइट और यहाँ पर आपको देख सकते हैं शेप विड, यहाँ पर 8.81 ऑटोमेटिक आएगा, इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे हाइट 5.4 सेंटीमीटर करेंगे तो नीचे विड्थ खुद ब खुद आएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड का साइज़ यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आधार कार्ड पे क्लिक करना है माउस से। इसके बाद यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर स्टाइलस, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर बॉर्डर, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर बॉर्डर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें आधार कार्ड का बॉर्डर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस तरीके से जो भी अच्छा लगेगा वो बॉर्डर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे 1 पॉइंट तक करूँगा, 1 पॉइंट इस पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड आ चुका है, इसका साइज़ परफेक्ट साइज़ यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हमें आधार कार्ड का बैक साइड यहाँ पे एडजस्ट करना है। इसके लिए मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पिक्चर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिस डिवाइस पर क्लिक करना है, यहाँ ऑनलाइन भी देख सकते हैं और डिस डिवाइस पर भी क्लिक कर गया। कहाँ जहाँ पे भी आपने पिक्चर रखा होगा वहाँ से आपको पिक्चर लेना है, डेस्कटॉप या और किसी ड्राइव में। मैंने डेस्कटॉप ही रखा है, मैं डेस्कटॉप से पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा बैक साइड। इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं बैक साइड यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हमें सबसे पहले बैक साइड जो आधार कार्ड का बैक साइड है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद पिक्चर फॉर्मेट, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रैप टेक्स्ट, इस यहाँ पे हमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। इसका ये फ़ायदा है, इसके बाद आप पिक्चर को इधर उधर घुमा सकते हैं और क्रॉप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यह करना है, इसके बाद हम सिंपली आधार कार्ड के बैक साइड में क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइज़, यहाँ पर आपको हाइट देना है आधार कार्ड का बैक साइड, इसका साइज़ आपको, इसका हाइट आपको 5.4 सेंटीमीटर देना है, 5.4 सेंटीमीटर रखना है, 5.4 सेंटीमीटर। इसके बाद एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ खुद ब खुद आ जाएगा। जो ही आप 5.4 सेंटीमीटर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे विड्थ जो है विड्थ खुद ब खुद यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड आ चुका है। इसके बाद हमें बैक साइड आधार कार्ड की बैक साइड में क्लिक करना है, यहाँ पिक्चर फॉर्मेट, इसके बाद यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर, इस पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे सेट करना है। मैं 1 पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बॉर्डर सेट हो जाएगा इस तरीके से।
तो आप देख सकते हैं इसके बाद मैं यहाँ पे वर्ड का साइज थोड़ा नीचे इसको जूम करूँगा, इसका साइज थोड़ा बड़ा करूँगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं आधार कार्ड का साइज यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल करके इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप बीच में भी सेंटर में भी रख सकते हैं और साइड में भी रख सकते हैं जहाँ आपको अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे साइड सेंटर में थोड़ा सेंटर में इसको लेके आऊँगा, इस तरीके से एडजस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आधार कार्ड का साइज़ आ चुका है, परफेक्ट साइज़ आधार कार्ड का परफेक्ट साइज़ है। इसके बाद आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं और इसके बाद आप इसको पॉकेट में भी रख सकते हैं। इसके बाद इसको प्रिंट करना है, इसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी करके इसको प्रिंट निकाल सकते हैं या आप यहाँ फाइल पे क्लिक करके और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट, इस पर क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है। मेरे पास हमारे पास इप्सन L380 सीरीज़ है तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद प्रिंट प्रॉपर्टीज इस पर क्लिक करना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कौन सा प्रिंटर है आपके पास, मेरे पास L13 है। तो इसके बाद यहाँ पे प्लेन पेपर्स यहाँ पे इप्सन मेटल करना है और स्टैंडर्ड यहाँ पे आप स्टैंडर्ड ही रख सकते हैं या हाई रख सकते हैं और नीचे आप कलर पे क्लिक करके और यहाँ ओके पे क्लिक करके इसके बाद प्रिंट पे क्लिक करना है तो आपका आधार कार्ड प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इजीली एमएस वर्ड के अंदर आधार कार्ड का प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आपका आधार कार्ड है किसी भी कस्टमर का, किसी का भी। और इसके बाद इसको आप अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर सेव भी रख सकते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप किसी का भी आधार कार्ड प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी का भी आधार कार्ड प्रिंट निकाल सकते हैं इजीली। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आने वाला हर कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।